प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज चिचिंडे की बीज की चटनी बनाएंगे, इसको स्नेक गार्ड भी कहते हैं। चिचिंडे की बीज की चटनी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, देखिए चिचिंडा ऐसा होता है, इसको काट के उसके अंदर का बीज एक कटोरी लिया है, दो टमाटर काट के लिया है, थोड़ा सा नारियल, एक कप नारियल, जीरा, ऑयल, इमली भिगा के लिया है, धनिया, कोतमरी, ग्रीन मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक, उड़द का दाल, कड़ी पत्ता, हिंग, सरसों, राई, एक लाल मिर्ची। अभी गैस पर कुकर रखा है, कुकर में बीज डाल रही हूँ, ग्रीन मिर्ची, जीरा, धनिया, कोतमरी, टमाटर, नारियल, इमली, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। कुकर ढक के दो विशिल लेंगे, देखिए कितना अच्छा ये पक गया है। इसको एक थाली में ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में डाल रही हूँ। इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे। अभी गैस पर एक कढ़ाई रखी हूँ, कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। तेल गरम होने के बाद सरसों, राई, हिंग, उड़द का दाल, इसको थोड़ा रोज कलर ऐसा भून लेंगे। कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची, पीस के रखा था ना परडलकाई का बीज, वो भी इसी में डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक उबाल आने से बस है, देखिए। देखिए चिचिंडे की बीज की चटनी रेडी हो गया है। इसको अभी सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। गार्निश के लिए कोतमरी डाल रही हूँ। चिचिंडे की बीज की चटनी रेडी।